मूवी का स्टार्ट जोई की मॉम जीनी के मैरिज रिसेप्शन से होता है। जोई रिसेप्शन में गेस्ट को बहुत ही खुशी से बताती है कि वो अपनी न्यू फैमिली के साथ रहने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो गेस्ट को अपने स्टेप डैड टेड और तीन स्टेप ब्रदर्स एडम जैक और बेन से इंट्रोड्यूस करवाती है और सब गेस्ट से उसकी न्यू फैमिली के लिए चीयर्स करने के लिए कहती है। तभी एडम की वजह से हम्फ्री जो उनका डॉग पेट है उस पर पानी गिर जाता है। हम्फ्री भागने लगता है। तीनों भाई उसको पकड़ करने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। इसी भागदौड़ में जोई पर चॉकलेट सॉस गिर जाती है और उसका सारा ड्रेस स्पॉइल हो जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पूरी रिसेप्शन का फंक्शन खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक हफ्ता गुजर चुका है। टेड सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाने के लिए बहुत लाउड आवाज में चीखता हुआ दिखाई देता है। जोई उसकी आवाज से अचानक उठती है और बेड से नीचे गिर जाती है। वो बाहर जाते हुए टेड से लाउड बोलने की वजह पूछती है। टेड कहता है वो बास्केटबॉल कोच है, लाउड बोलना उसकी हैबिट है। जोई फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाती है। तभी वहाँ उसका सबसे छोटा भाई बेन आ जाता है। जोई उसे फिर जाने के लिए कहती है लेकिन बेन जोई की चीजें छेड़ने लगता है। जोई तंग आके बहुत ही मुश्किल से उसे वहाँ से बाहर निकालती है। एडम जोई का सबसे बड़ा भाई है जो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। जोई एडम से घर में कुछ रूल्स बनाने की बात करना चाहती है लेकिन एडम ब्रेकफास्ट के लिए किचन में चला जाता है। जोई अपना बैग और पिंक शूज शेल्फ पे रखते हुए किचन में आती है जहाँ जैक पैनकेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। जोई किचन में इतना मेस देख के अपनी मॉम के पास जाती है। वो उन्हें पूछती है कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। जेनी उसे कहती है कि लड़के अपने तरीके से काम करना चाहते हैं इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कह सकती है। वो जोई को हाई स्कूल में फर्स्ट डे पर विश करते हुए उसे एक म्यूजिक कैसल देती है जो जोई के डैड ने उसे गिफ्ट किया था। जोई किचन से अपना बैग लेने आती है। तभी जैक लिड लगाए बगैर ग्राइंड बटन प्रेस कर देता है और पैनकेक्स का बैटर जोई और उसके शूज पर गिर जाता है। अब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जोई अपनी न्यू फैमिली के साथ रहने में इतनी एक्साइटेड थी वो सब दो दिन की ही बात थी। नेक्स्ट सीन जोई के हाई स्कूल में फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। एडम जल्दी में उसे उसकी क्लास का रास्ता गाइड करते हुए चला जाता है। जोई को एडम की कोई बात समझ नहीं आती इसीलिए वो वहाँ मौजूद कुछ बॉयज से हेल्प लेने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत डिस्गस्टिंग बिहेव करते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेचल से होती है और बाद में वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। जोई एक क्लास में एंटर होती है और उसे पता चलता है कि रेचल गलती से उसे डांस क्लास की जगह साइंस क्लास में छोड़ गई है। वहाँ मौजूद टीचर अपने एक स्टूडेंट जैक्सन से जोई को उसकी क्लास तक गाइड करने का कहते हैं। टेलर जोई की सीनियर और उसके ऑडिशन की जज है। उसे जैक्सन बहुत पसंद है लेकिन जब वो जोई को उसके साथ देखती है तो गलत समझ के जोई से जेलस होने लगती है। डांस क्लास में जोई को पता चलता है कि रेचल उसकी क्लासमेट है। वो दोनों एक साथ ऑडिशन देके एक ही डांस ग्रुप का मेंबर बनना चाहती हैं। लेकिन ऑडिशन में अपने शूज खराब हो जाने की वजह से जोई रेचल पर गिर जाती है। टेलर जोई से जेलस तो होती है और अब उसे जोई को तंग करने का बहाना मिल जाता है। वो जोई और रेचल को एक जूनियर और लेजी बॉयज के ग्रुप का हिस्सा बना देती है। घर आने पर जोई देखती है कि हम्फ्री ने उसका रूम खराब कर दिया है और उसके डैड का दिया हुआ म्यूजिक कैसल भी तोड़ दिया है। जोई हम्फ्री को ट्रेन करने के लिए डॉग ट्रेनर ऐप डाउनलोड करती है जो हम्फ्री को उसकी बात सुनने पर मजबूर कर देता है लेकिन हम्फ्री उसका फोन अपने मुँह से छीनते हुए बाथटब में फेंक देता है। बेन जोई का फोन टॉवल से ड्राई करने की कोशिश करता है लेकिन फोन स्लिप होकर हम्फ्री के खाने में गिर जाता है। जोई की मॉम उसे परेशान देख के उसका फोन राइस बॉल में रख देती है और फोन सुबह तक ठीक हो जाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जोई की लाइफ किसी मेस से कम नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेड फिर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जोई अपना फोन चेक करते हुए हम्फ्री फिर से ट्रेन करने लगती है लेकिन ऐप हम्फ्री पर काम नहीं करता। इसी दौरान जोई नोटिस करती है कि उसके भाई उसकी हर बात मान रहे हैं लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती और स्कूल चली जाती है। स्कूल में जोई ये देख के हैरान रह जाती है कि डॉग ट्रेनर ऐप बॉयज पर काम कर रहा है। वो स्कूल के मैसी बॉयज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है यानी कि ऐप डॉग्स की जगह बॉयज पे काम करने लग गई है। ये बहुत ही फनी सीन होता है। रेचल चार्ली को लाइक करती है लेकिन चार्ली बहुत शाई है इसलिए रेचल भी उससे बात करने से डरती है। रेचल जोई से चार्ली पर ऐप यूज करने का कहती है। जोई चार्ली को रेचल से बात करने का कम
कमांड देती है और चार्ली कमांड को ओबे करते हुए रेचल से बात स्टार्ट करता है। नेक्स्ट सीन में जोई अपने ब्रदर्स और डैड को कंट्रोल करते हुए टेड को लोअर वॉइस में बोलने का कमांड देती है। एडम को हर चीज पे फोकस करने को कहती है। जैक को हेल्दी फूड कुक करने का ऑर्डर देती है और बेन को सफाई का ख्याल रखने का कहते हुए फिर वो हम्फ्री को पार्क में वॉक के लिए ले जाती है। जोई की मॉम घर आती है और उन सब में इतना चेंज देखकर हैरान रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जोई के डैड और ब्रदर्स हर काम खामोशी से फोकस के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल पहुंचने पर जोई देखती है बॉयज का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट है। मैसी बॉयज खुद को मेंटेन कर रहे हैं, कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा, सब जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जोई चार्ली के साथ अपनी क्लास में जाती है। वो अपने ग्रुप को प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करती है लेकिन बॉयज प्रैक्टिस करते हुए गिर जाते हैं। जोई ट्रेनिंग ऐप अपने ग्रुप पर यूज करने का फैसला करती है और ग्रुप को उसके डांस स्टेप्स फॉलो करने का कहती है। टेलर जोई के ग्रुप को प्रैक्टिस करते देख हैरान हो जाती है और वो जोई के ग्रुप के साथ डांस कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर देती है। कॉम्पिटिशन के दौरान जोई को अंदाजा होता है कि बॉयज सेम जोई के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और जोई को अंदाजा हो जाता है कि अगर वो अपनी टीम पे थोड़ी मेहनत करे तो उसकी टीम एक कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकती है। जोई अपने प्रिंसिपल के पास जाती है जहाँ टेलर भी मौजूद होती है। वो उन्हें सीनियर टीम और जूनियर टीम के दरमियान एक कॉम्पिटिशन अरेंज करने की रिक्वेस्ट करती है। प्रिंसिपल उनके बीच ये कॉम्पिटिशन बास्केटबॉल के टूर्नामेंट के लिए अरेंज करती है। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते ही टेलर और जोई जैक्सन से मिलती है। जैक्सन टेलर को अवॉइड करता है और जोई को नाइट आउट के लिए इनवाइट करता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जोई एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ जैक्सन उसका वेट कर रहा होता है। जोई जैक्सन को जेलस करने के लिए रेस्टोरेंट में मौजूद दो लड़कों को ऐप के जरिए उससे फ्लर्ट करने का कमांड देती है लेकिन जैक्सन उनसे जेलस नहीं होता और जोई खुद उनसे इरिटेट होने लगती है। फिर जोई के घर जाने पर टेड जोई को उसका म्यूजिक कैसल रिपेयर करके देता है और उसे कल के डांस कॉम्पिटिशन के लिए गुड लक कहते हुए कमरे से चला जाता है। स्कूल में जोई चार्ली को बताती है सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, शायद उसने बॉयज को कमांड्स देके गलती कर दी। इसी दौरान चार्ली रेचल के पास आता है और उसे हग कर लेता है। रेचल उसके बिहेवियर से तंग आते हुए जोई से उसे नॉर्मल करने के लिए कहती है। जोई सब को स्टॉप कहती है लेकिन सब नॉर्मल होने के बजाय पॉज हो जाते हैं। वो उन्हें दोबारा अपना काम करने का कमांड देती है और कंफ्यूजन में क्लासरूम में चली जाती है। जोई डांस क्लास में अपने ग्रुप को प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करती है। टेलर जोई के ग्रुप का डांस देखते हुए उनका मजाक उड़ाने लगती है। जोई गुस्से में आ जाती है और टेलर के ग्रुप में मौजूद बॉयज को ऐप की हेल्प से उनके राइट और लेफ्ट स्टेप से कंफ्यूज्ड कर देती है। टेलर का ग्रुप डांस करते हुए गिर जाता है। टेलर जोई के फोन में कुछ नोटिस करती है। इसी दौरान जैक्सन डांस रूम में आता है और जोई को टेलर के साथ मिसबिहेव करते हुए देख लेता है। जोई जैक्सन की तरफ जाने लगती है लेकिन जैक्सन वहाँ से चला जाता है। जोई जैक्सन को सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे जाती है। जोई जैक्सन से कहती है कि टेलर उसे मिसबिहेव कर रही थी, ये सब उसका रिएक्शन था। जैक्सन उसे कहता है वो उसे इस तरह बिहेव करते देख कंफ्यूज्ड हो गया है कि वो टेलर की तरह एक प्राउड गर्ल है। जोई ऐप का यूज करते हुए जैक्सन को उसे किस करने के लिए कहती है जिस पर जैक्सन उसे किस करने के बाद कंफ्यूज्ड हो जाता है और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। जोई डांस रूम में वापस आती है और प्रैक्टिस कैंसिल कर देती है। वो फोन बैग में रखते हुए टॉयलेट की तरफ जाती है और काम डाउन होने के लिए फेस वॉश करने लगती है। तभी टेलर खामोशी से जोई का फोन बैग से निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जोई अपने रूम में रेस्ट करते हुए कमांड वापस लेने का सोचती है। इसी दौरान डोर बेल रिंग होती है। रेचल जोई को टूर्नामेंट के लिए पिक करने आती है। तभी जोई रेचल से कहती है वो ऐप के कमांड्स खत्म करके सब नॉर्मल करना चाहती है। फ्रिज से जूस निकालते हुए वो फ्रिज पर एक नोटिस देखती है जिसे उससे पता चलता है कि एक कॉलेज स्काउट आज एडम का टूर्नामेंट देखने आ रहा है। ये लेकिन ऐप के कमांड्स की वजह से वो गेम नहीं खेल सकता और ये उसके फ्यूचर पर बुरा असर डाल सकता है। रेचल और जोई स्कूल में हो रहे टूर्नामेंट में पहुंचते हैं जहां जोई की फैमिली मैच देखने के लिए पहले से मौजूद है। जोई अपनी फैमिली को गैदर करते हुए उनको ऐप के बारे में बताती है। वो उनसे
उसे सब कुछ नॉर्मल करने के लिए हेल्प मांगती है। बेन कहता है हमें एक न्यू ऐप डाउनलोड करके फोन को दोबारा बाथटब में डालना होगा और विंडो से बाहर फेंककर न्यू ऐप से रिलीज का कमांड देना होगा। जोई को रिलीज वर्ड सुनते ही आइडिया आता है। वो सब नॉर्मल करने के लिए ऐप को रिलीज कमांड देने के लिए फोन निकालने लगती है, लेकिन उसे अपना फोन नहीं मिलता। जोई और रेचल टॉयलेट में फोन ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिलता। इसी दौरान टेलर अपने फ्रेंड के साथ जोई के फोन में वो ऐप तलाश कर रही है जिसे वो बॉयज को कंट्रोल कर सके। मोबाइल चेक करते हुए टेलर को लिसन एंड ओबे डॉग ट्रेनिंग ऐप नजर आता है। वो अपने सामने खड़े कुछ बॉयज को सॉन्ग सिंग करने का कमांड देती है। बॉयज सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। टेलर बहुत खुश हो जाती है। बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने से ठीक पहले टेलर, जिसको कुछ बॉयज ने चेयर पर उठाया हुआ है, टूर्नामेंट में एंटर होती है और एडम की टीम को डांस करने का कमांड देती है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। टेलर टूर्नामेंट में मौजूद सभी बॉयज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। जोई और रेचल टूर्नामेंट रूम में वापस आती हैं, जहां वो टेलर को बॉयज कंट्रोल करते हुए देखती है। टेलर जोई को फोन दिखाते हुए कहती है क्या वो अपना फोन ढूंढ रही है। जोई टेलर से ये सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन टेलर मना कर देती है। जोई टेलर से कहती है ये ऐप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, हमें बॉयज को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी दौरान जैक्सन वहां आता है और टेलर उसे देखते हुए कहती है जोई ने उसे अट्रैक्ट करने के लिए ये ऐप यूज किया है। जोई टेलर से कहती है उसने ये ऐप उस पे यूज नहीं किया सिवाय उस दिन के जब उसने जोई को किस किया था। टेलर जोई से कहती है उसने उसे ह्यूमिलिएट किया है और अब वो उसे रिवेंज लेने के लिए उसके डैड और ब्रदर्स को डॉग की तरह बिहेव करने का कमांड देती है। जोई टेलर से कहती है वो उसकी फैमिली को ह्यूमिलिएट करना बंद करे और उन पर ऐप यूज ना करे, इसके बदले में वो उसे जो कमांड देगी वो पूरा करेगी। टेलर जोई को डॉग की तरह बिहेव करने के लिए कहती है। एडम को जोई को इस तरह देख के बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए जोई के पास आ जाता है और जोई की तरह बिहेव करने लगता है। टेड, बेन और जैक एडम को देखते हुए जोई के पास चले जाते हैं और उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। जैक्सन भी उन सब को देखते हुए जोई के पास चला जाता है और टेलर के कमांड्स फॉलो करने लगता है। टेलर बॉयज को जोई से दूर जाने का कहती है, लेकिन ऐप उन पर काम नहीं करता। जोई टेलर से कहती है सब डॉग की तरह बिहेव कर रहे हैं और ऐप डॉग्स पर नहीं बॉयज पर काम करता है और इस टाइम जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो बॉय नहीं है। टेलर अपने पीछे देखती है, तभी रेचल उस पे अटैक कर देती है और जोई का फोन हवा में उछल जाता है। जोई अपना फोन कैच कर लेती है और जजेस की टेबल पर पड़े माइक में ऐप यूज करते हुए रिलीज बोलती है। सब बॉयज नॉर्मल हो जाते हैं। टेलर जोई से कहती है वो इस फोन के बगैर कुछ भी नहीं है। जोई उसके सामने अपना फोन डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है उसकी जिंदगी इस मोबाइल के बगैर बहुत अच्छी है और मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली को देखती है। जोई जैक्सन से अपोलोजाइज करते हुए उसे कहती है उसने ऐप का यूज करते हुए उसे किस का कमांड इसलिए दिया था क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जैक्सन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है और उसे अपने साथ डेट के लिए इनवाइट करता है, जिसे जोई खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। रेचल जोई को परफॉर्मेंस के लिए बुलाती है। बास्केटबॉल गेम स्टार्ट होता है और एडम की टीम जीत जाती है। गेम के बाद डांस ऑफ स्टार्ट होता है। टेलर की टीम की परफॉर्मेंस के बाद जोई अपनी टीम को मोटिवेट करती है और उन्हें पूरे दिल से डांस करने के लिए कहती है। ऑडियंस को उसकी टीम का रोबोट डांस बहुत पसंद आता है और उसकी टीम जीत जाती है। मूवी के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जोई और उसकी फैमिली ने एक साथ रहने के लिए एडजस्ट कर लिया है और वो खुशी से एक साथ रहने लगे हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।